हाँ कर लें, ताकि अभी बेशक रखें आपके पार्टिसिपेंट पूरे हो जाएं तो बेशक कर लें। में शेयरिंग ऑप्शन आ रही है, मैनेज पार्टिसिपेंट हैं एंड देर इज नो बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। लेट मी शेयर यू समवन रिगार्डिंग एल्स हैज स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, राइट? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आप बोलते जाएं रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, मतलब मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं थे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने की, सो आई एम चलें आप कर लें, कोई गोइंग टू नहीं। शेयर इट अगेन। जी नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। यस ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ओपन द सिस्टम, एंड दिस इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन कि आप अपने सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो वी नो दैट कि इनिशियली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मैनी ऑफ अस कि वो जो सिस्टम का पाथ है उसको याद रख सकें। सो उसके लिए ये सिस्टम में आपकी जो भी करंट वेबसाइट है, दिस इज hamza .edu.pk, इसके ऊपर ये टॉप के ऊपर इस आपके लोगों के बिल्कुल साथ में VLS का आइकन और यहाँ के ऊपर इसका लिंक डाला गया है। दिस इज जस्ट फॉर द योर ओन इजीनेस कि आप यहाँ से इस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो इट विल बी ओपन। दानिश साहब, इस लिंक को आपने अपडेट करना है, एक्टिव नहीं किया अभी, ठीक है जी? हम इसको ये एक्टिव लिंक कर रहे एक्टिव कर देंगे। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो आपके सामने, मैं ये दोबारा ओपन कर लेता हूँ, vls.hamza.edu.pk का एड्रेस ओपन हो जाएगा। मैंने भी लॉगिन किया हुआ था, मैं इसको लॉग आउट भी कर देता हूँ। आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लॉगिन्स तमाम के तमाम जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो स्पेशली VLS एडमिन्स हैं उनके साथ शेयर की जा चुकी हैं। मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा यहीं पर दानिश साहब, के जो लॉगिन्स की फाइल्स बना के हमने शेयर की थी उनके अंदर, मुझे सबसे पहले इस मीटिंग के दौरान बता दें, अभी हमारे साथ जो बाकी कैंपसेस के VLS एडमिन्स डेजिग्नेट हुए हैं वो मौजूद हैं क्या हमारे साथ? सारे सारे वही लोग, दानिश साहब, सॉरी, ये सारे वही लोग हैं जो मीटिंग में शामिल हैं, जी ये सारे मीटिंग में VLS एडमिन्स शामिल हैं? एडमिन शामिल हैं। VLS एडमिन्स तो कैंपस वाइज वन नहीं होना था, पांच या छह, यहाँ पे तो अभी ह्यूज लिस्ट है मेंबर्स की। उनको स्कूल वाइज भी अपना काम भी अलग से करेंगे ना, ये स्कूल वाइज लोग हैं, स्कूल में भी आगे सेक्शन अच्छा, वो डिवाइड किए हुए हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि जो इनिशियली हमें बताया गया था और उसके अगेंस्ट जो VLS एडमिट्स के अकाउंट्स बने हैं, वो तो पर स्कूल एक अकाउंट बना है। अब वो क्या एक अकाउंट ये सारे एक स्कूल के अगर मल्टीपल VLS एडमिट्स हैं तो वो एक अकाउंट आपस में शेयर करेंगे या उन सब के दूसरों के अलग अकाउंट भी बनाने होंगे? बिकॉज देख लेते हैं, वो तो फिर एक नहीं बने होंगे ना। ही शेयर कर लेंगे फिलहाल, अगर जरूरत पड़ी तो और बना देंगे। नहीं, मेरी सजेशन ये होगी कि वो एक अकाउंट को शेयर मत कीजिए, उन अकाउंट्स को आप बता दीजिए, हम मल्टीपल अकाउंट्स हर स्कूल के अलावा बना देते हैं। बिकॉज उससे फिर जो सिस्टम है ना, अगर एक ही अकाउंट यूज़ होता रहेगा तो उसका पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन कब और कहाँ से परफॉर्म हुआ है, ठीक है ठीक है, ठीक है? बिकॉज चलें दैट इज मूविंग सिक्योरिटी फॉरवर्ड। पार्ट ऑफ यू ना। सो राइट नाउ आई हैव लॉग इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो अभी चूंकि हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं कि जो VLS एडमिन्स हैं वो अपने अपने जो रिस्पेक्टिव स्कूल्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको कैसे आगे फर्दर सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें होंगे, एंड दैट्स वेयर दिस ट्रेनिंग सेशन हैज बीन कॉल्ड एज द ट्रेन द ट्रेनर सेशन और मास्टर ट्रेनर सेशंस, ताकि जो आप लोग अभी यहाँ से जितना कुछ हम अभी आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग अपनी जब दोबारा खुद प्रैक्टिस भी करेंगे, सो देन यू पीपल वुड बी एबल टू गाइड द फैकल्टी मेंबर्स उनको, क्योंकि उनको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा फैकल्टी मेंबर्स को सिस्टम के साथ यूज टू होने में, और इसी तरीके से फिर जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा सिस्टम के साथ यूज टू होने में। सो उस बेस के ऊपर फिर आप लोग उनको गाइड कर रहे होंगे। अच्छा जी, लॉगिन होने के बाद सबसे पहले डैशबोर्ड की स्क्रीन आती है। डैशबोर्ड की स्क्रीन, मी बीइंग एन एडमिन, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, आप लोगों की स्क्रीन भी बिल्कुल ब्लैंक हो रही होगी।
लेकिन जो फैकल्टी मेंबर है उसके पास स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगी, उसके पास इस किस्म की स्क्रीन आएगी जिसमें उसकी के जो रिसेंट कोर्सेज हैं उनके सामने क्विक लिंक्स आ रहे होंगे, और प्लस वो जिन जिन कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड है उनके लिंक्स आ रहे होंगे। सो द फैकल्टी मेंबर ही और शी कैन क्लिक ऑन एनी ऑन द लिंक ऑफ हिज और हर कोर्स, एंड व्हेन ही क्लिक्स ऑन एनी कोर्स देन ही वुड बी एबल टू परफॉर्म सर्टन एकेडमिक एक्शंस लाइक अगर उसने क्लास वर्क शेयर करना है, उसने होमवर्क शेयर करना है, उसने कोई कंटेंट अपलोड करना है, उसने कोई असाइनमेंट देनी है स्टूडेंट्स को, उसने किसी किस्म का कोई रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, कोई इमेजेस शेयर करने हैं, सो ही कैन डू दैट। मैं अगर अब यहीं के ऊपर आपके साथ किसी कोर्स को ओपन कर लेता हूँ, लेट मी गो टू दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्लास फोर का एक पहला कोर्स मेरे सामने मौजूद है। यहाँ के ऊपर एक चीज़ सबसे पहले कोर्स के बारे में मैं बताता चलूँ, ये देखिए जो कोर्स के शॉर्ट कोर्स हैं इनकी एक सर्टन नेमिंग कन्वेंशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है किसी भी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली एड्रेस करने के लिए। द फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू लेटर्स एच बी ऑल ऑफ यू वुड बी फेमिलियर, इट इज़ द कैंपस कोड एंड देन इज द सेशन कि किस सेशन का ये कोर्स है, एंड देन इज द क्लास कि वो क्लास कौन सी है, दिस इज क्लास फोर, एंड एस सी सी इज फॉर सेक्शन एंड जी इज फॉर दी दैट इज जी सेक्शन, एंड देन एट दी एंड लास्ट आपके पास वो उस कोर्स का नाम है। अगर आप इसी की, ये मैंने शॉर्ट कोड की बात की, अगर आप इसी की डिटेल देखें तो बिल्कुल बॉटम में आपको ये डिटेल भी मिल रही होगी कि कोर्सेज के अंदर हमजा ए पी एस एंड सी बॉयज़ का स्कूल की वो हायरार्की है, इस हायरार्की के अंदर सेशन 2020-21 का सेशन है, उसके अंदर क्लास फोर है, और क्लास फोर के अंदर ये सेक्शन जी का कोर्स है, और इस कोर्स का सॉरी ये डिटेल में नाम है। सो इस तरीके से जब भी कभी आप लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, किसी और दूसरे कोलीग को बता रहे होंगे, या अगर फैकल्टी मेंबर आपसे कोई चीज़ पूछना चाहता है और या कोई बात बताना चाहता है कि जी मैं तो वो कोर्स पढ़ा रहा था, मुझे वो कोर्स नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई और कोर्स नज़र आना शुरू हो गया है, सो यू वुड बी एबल एंड आस्क हिम और हर कि जी हमें ये बताएं आपके सामने टॉप के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो तो इसको हो सकता है फैकल्टी मेंबर तो या जस्ट लाइक है इंग्लिश अल्फाबेट्स रीड कर रहा हो, लेकिन ये आप लोगों के पास इसकी सिग्निफिकेंस है कि आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा वो किस कोर्स की बात कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये इसका कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, स्ट्रक्चर आप लोगों के हायरार्की के कहन मुताबिक है, सो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है इसके लिए आसान होगा, इसमें कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लोग डिपिक्ट कर सकते हैं दिस इज द कैंपस कोड, एंड देन अगर यहाँ से नहीं भी डिपिक्ट कर पा रहे तो ये नीचे जो हायरार्की है ये हर कोर्स के टॉप के ऊपर नज़र आ रही होगी, आप इस हायरार्की की बेस के ऊपर इजीली अपने जो फैकल्टी मेंबर है उसकी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसके कोर्स तक फोकस्ड कोर्स तक टारगेट होके उसको अंडरस्टैंड करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ठीक है जी। यहाँ के ऊपर हम आगे चलते हैं। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी के कोई जहन में सवाल आ रहा हो तो उसको काइंडली अभी अपने साथ नोट डाउन करते जाइए, रेफरेंस लिखते जाइए कि जी इस स्क्रीन के ऊपर ये एक सवाल था, आप उसको नोट डाउन करते जाइए, हम एट द एंड उसको क्वेश्चन आंसर को करेंगे ताकि ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है ये सेशन बाद में जो कोई आप लोग खुद सुने या कोई और भी सुने तो वो इसको एक थॉरली कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक उसको सुन सके और उसका नॉलेज बिल्डअप हो सके। अगर बीच में हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए तो फिर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो बाद में कर रहा होगा वीडियो को देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी उसको। ओके जी। सो लेट्स अज्यूम कि ये कोर्स है और जिसके अंदर फैकल्टी मेंबर इनरोल्ड है, फैकल्टी मेंबर ने लॉग इन किया, उसके सामने ये कोर्सेज का डैशबोर्ड आ गया, अपने इस डैशबोर्ड के क्विक लिंक्स के थ्रू उसने अपना पहला कोर्स ओपन कर लिया। सो वट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही है और ही हैज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ टू गो इन टू दिस एडिट सेटिंग्स, ये राइट साइड के ऊपर मेन्यू आ रहा है, वो एडिट सेटिंग्स में जाएंगे और सबसे पहला काम जो उन्होंने करना है, उन्होंने अपने कोर्स की कोई डिसमरी लिखनी है। ठीक है जी। दैट इज़ के उनका कोर्स क्या है, मैं यहाँ के ऊपर मल्टीपल चीज़ें लिख सकता हूँ जो कि आप लोग ऐड करेंगे या फैकल्टी मेम्बर को बताएंगे कि वो ऐड करें, दैट कैन बी कोर्स समरी, दैट कैन बी द कोर्स
outcomes, that can be the learning objectives, anything जो भी आप लोग उसमें यहाँ के ऊपर करना चाहें, ठीक है जी. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज अ कोर्स इमेज. कोर्स इमेज आप लोग ये देखिए, जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन में हमने एक ये सैम्पल कोर्सेज जब बनाए थे, ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे. मैं इसको यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड में लेता हूँ. ये देखिए आपके सामने कोर्सेज के वो आ रहे हैं. एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि जो कोर्स का इमेज होगा दैट वुड बी द कवर पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक जो कि आप अपने कोर्स की पढ़ा रहे हैं. उससे आपको फैकल्टी मेम्बर को खुद को भी और स्टूडेंट्स को भी खुद को भी आइडेंटिफाई करने में और क्विकली उस कोर्स को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. सो इमेज का सोल पर्पस ऐड करने का ये है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, पेरेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें. सो इस पर्पस के लिए दैट्स व्हाई द फैकल्टी मेम्बर इज़ रिक्वेस्टेड कि जब भी वो अपने कोर्स के ऊपर आएँ तो सबसे पहले वो यहाँ के ऊपर कोई समरी ऐड कर लें अपने कोर्स की और उसके बाद उसका इमेज फाइल ऐड कर लें, ताकि जो उसके बाद फैकल्टी मेम्बर को खुद को भी आसानी होगी अपने डैशबोर्ड में से कोर्स को ढूंढने के लिए. जिस तरह ये देखिए इस डैशबोर्ड में भी सामने कोई कोर्सेज नहीं आ रहे, लेकिन अगर जब इमेजेस लगे होंगे तो डैशबोर्ड के कोर्सेज को क्विकली एक्सेस करना आसान होगा. दीज आर द टू चेंजेस ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द ईच कोर्स जो कि हर फैकल्टी मेम्बर को परफॉर्म करने हैं. जस्ट एक समरी ऐड करनी है और एक कोर्स का इमेज ऐड करना है, ठीक है जी. इसको आप सेव एंड डिस्प्ले कर दीजिए. अच्छा जी, अनदर गुड थिंग इज दैट के आपके पास हर फैकल्टी मेंबर के कोर्स में स्टूडेंट्स डिफॉल्ट में ऐड होंगे. अगर हम स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये मेन्यू है, आप इस मेन्यू को यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. ये लेफ्ट साइड के ऊपर मैं टॉप के ऊपर ये देखिए, ये तीन बार्स आ रही हैं, आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. सो वेन यू ओपन दिस मेन्यू, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द पार्टिसिपेंट्स. मैं इसको अभी न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ. एंड हेयर इन द पार्टिसिपेंट्स दिस इज द समरी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के इस कोर्स के अंदर 44 पार्टिसिपेंट्स हैं. दिस डज नॉट मीन कि ये 44 स्टूडेंट्स हैं. हो सकता है इस 44 के अकाउंट के अंदर कोई और फैकल्टी मेंबर या VLS एडमिन हिमसेल्फ या जो आपका कैंपस के प्रिंसिपल है वो भी ऐड हो. सो इसलिए इस काउंट को कभी भी कहीं पर ऐसे रेफर नहीं कीजिएगा कि जी इस कोर्स में तो 44 स्टूडेंट्स हैं जबकि फिजिकली क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं. सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फैकल्टी मेंबर्स को भी इस पे गाइड कर दीजिएगा. बिलो इज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड डेस्क. आप यहाँ के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं कि जी आपने स्टूडेंट्स देखने हैं, किन को देखना है. आप शो ऑल 44 कर सकते हैं. जब आप शो ऑल कर लेंगे तो आपको सामने यहाँ स्टूडेंट्स के रोल्स भी नज़र आ जाएंगे कि अच्छा जी कौन कौन सा यूज़र जो है वो एज अ स्टूडेंट एनरोल्ड है और कौन सा यूज़र ऐसे किसी और रोल के साथ में एनरोल्ड है. बिकॉज सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी मौजूद हैं और इसी तरीके से सिस्टम के अंदर प्रिंसिपल्स के रोल्स भी मौजूद होंगे, ठीक है जी. सो अभी राइट नाउ जितना डेटा दिया गया उस डेटा के अकॉर्डिंगली क्लास 4 के अंदर ये 44 स्टूडेंट्स हैं जो कि सेक्शन जी के अंदर एनरोल्ड हैं. हमारे पास कोई ऐसे अभी साहब या खातून मौजूद हैं जो हमें बता सकें कि जी क्लास 4 की सेक्शन जी के अंदर इतने ही स्टूडेंट्स अभी बैठ रहे हैं, रियल वर्ल्ड में भी इनरोल्ड हैं? एनीबॉडी फ्रॉम हमजा बॉयज कैंपस? डू वी हैव एनी रेप फ्रॉम हमजा बॉयज? जी है, लेकिन थोड़ा चेक करना पड़ेगा. चलें कर लीजिएगा. जस्ट ऐसी क्विकली मेरे ज़हन में क्विक थॉट आई, आई थॉट के चलें इसको भी देख लिया जाएगा. इससे हमें क्योंकि डाटा डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से ही बन के आया हुआ है, हमने उसको इंपोर्ट किया, एनरोल किया है, तो दैट्स व्हाई चलें इसी सेशन में इनिशियली क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगी. तो उससे आगे फ्लोट करने से पहले स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेम्बर को और ज़्यादा कन्फर्मेशन और कॉन्फिडेंस आ जाता है सिस्टम के ऊपर कि जी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से चल रही हैं. बहरहाल कोई मसला नहीं है, आप उसको फ्यूचर में भी देख सकते हैं. सो यहाँ से आप लिंक से अपने स्टूडेंट्स की जी कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, उनको भी इंटर कर दें एक दो बंदे. अच्छा सॉरी मैं उस तरफ गया नहीं, मुझे आईडिया नहीं हो सका. सो मैंने पास शेयर किया है और मैं अभी कहाँ पर जाऊँगा, मोर में जाऊँगा, पार्टिसिपेंट में जाऊँगा. मैं मैनेज पार्टिसिपेंट में क्या जी ये आ रहे हैं कुछ, एडमिट ऑल कर दूँ? एडमिट ऑल कर दूँ.
ये तीन आ रहे हैं जी, ये मैंने एडमिट ऑल कर दिया। ठीक है जी, ओके जी, कमिंग बैक कि इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। और अगर आपने अपने कोई स्टूडेंट क्लास में फिजिकली बैठ रहा है, फैकल्टी मेंबर के साथ को नज़र आ रहा है कि जी ये तो फिर स्टूडेंट बैठा हुआ है लेकिन वो सिस्टम में नहीं आ रहा, तो काइंडली अपने रिस्पेक्टिव जो VLS एडमिन है, फैकल्टी मेंबर, उसको इन्फॉर्म करें कि जी ये स्टूडेंट है जो कि सिस्टम में नज़र नहीं आ रहा, ताकि उस स्टूडेंट को सिस्टम में सॉर्ट आउट किया जा सके कि वो इनरोल क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं है तो VLS एडमिन उसको उस रिस्पेक्टिव कोर्स में इनरोल कर देगा। अब देखिए, फैकल्टी मेंबर को ये चीज़ ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि वेन एवर फैकल्टी मेंबर इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू इनरेल इन टू आस्क टू इनरोल अ सर्टेन स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्स, तो उसे ये जरूर कहिएगा कि भाई वो आपको ये कोर्स का शॉर्ट कोड बता दे और साथ में स्टूडेंट का जो पूरा नाम है या एटलीस्ट उसका जो रोल नंबर है, ये दोनों एक्यूरेट आपको बता दे। फिर VLS आप फैकल्टी मेंबर जब ये आप VLS एडमिन को फॉरवर्ड करेंगे रिक्वेस्ट, तो देन VLS एडमिन वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सन इटसेल्फ कि वो स्टूडेंट है कौन सा जो मिसिंग है, और फिर उसको वो इस करेक्ट कोर्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकेगा। ऐसा ना हो कि फैकल्टी मेंबर बताएं कि जनाब वो इस्लामियात या वो इंग्लिश के, या मैं उसको कहता हूँ कि जी इंग्लिश के कोर्स में इनरोल कर दें। अब आई थिंक कि इंग्लिश कुछ कैंपस के अंदर इंग्लिश लिटरेचर का अलहदा कोर्स बना हुआ है और इंग्लिश जो रीडिंग या राइटिंग है उसका अलहदा कोर्स बना हुआ है। सो VLS एडमिन वुड बी अनएबल कि जी उसको किस कोर्स में करना है। हो सकता है वो लिटरेचर वाले कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, दूसरे कोर्स में ना एनरोल्ड हो, या VLS एडमिन बैठ के दोनों कोर्सेज में खुद वन बाय वन सर्च करेगा भाई किस में नहीं था, क्योंकि फैकल्टी मेंबर ने तो सिर्फ इंग्लिश का नाम दिया है। तो इस वजह से ये चीज़ें कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए और एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए पहले से ही अगर आप फैकल्टी मेंबर्स को गाइड करेंगे तो VLS एडमिन के लिए भी रिक्वेस्ट को कम्प्लीट करना आसान होगा और उनके लिए भी जो प्रॉब्लम है उसको ईजिली सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। सो इस तरह के केसेस में फैकल्टी मेंबर से ये ज़रूर पूछें कि जी आप हमें स्टूडेंट का एग्जैक्ट रोल नंबर बता दें, नाम बता दें और साथ में कोर्स का नाम बता दें जिसके अंदर वो स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ हुआ, ताकि आप लोग उसको फिर एनरोल कर सकें। एनरोल करना इज़ नॉट अ बिग इशू। लेट सपोज ये HB3002 एक स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ ये 3003 स्टूडेंट नहीं है था इस कोर्स के अंदर, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन हेयर एनरोल यूजर्स। यहाँ से आप यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यूज़र सिंपल सर्च करना है, आप उसका रोल नंबर लिख दीजिए HB03003। देखिए सिस्टम खुद फिल्टर करके लेकर आ रहा होगा, मैंने रोल नंबर गलत लिखा है, मैं इसी का रोल नंबर दोबारा लिख देता हूँ और ताकि वो आपको यहीं पर दिखा देगा। ये इसलिए नोटिफिकेशन इसने इसलिए भी की कि ये स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड होगा सिस्टम में, ये भी सामने इनरोल्ड है। ये देखिए कोई और रैंडम रोल नंबर हम देख लेते हैं, मैं इसको यूजर नेम वाइज सॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप देखिए कि HP मैंने 3025 रोल नंबर लिखा है, तो उसके अगेंस्ट जो एक स्टूडेंट है वो आ गया, उसके साथ में उसका रोल नंबर कंफर्मेशन आ गई और उसकी इन्फॉर्मेशन में वो बकायदा बता रहा है कि ये क्लास 5 का स्टूडेंट है और इस स्कूल से, इस कैंपस से इसका ताल्लुक है। सो VLS एडमिन वुड ऑल्सो बी एबल वाइल इनरोलिंग अ स्टूडेंट कि वो एक केयरफुली एक स्टूडेंट को इनरोल कर रहे हो, किसी गलत स्टूडेंट को इनरोल ना कर रहे हो किसी कोर्स के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे और यहाँ से कन्फर्मेशन आप नहीं करेंगे तो फिर वो स्टूडेंट हो सकता है किसी और स्कूल का हो या किसी और क्लास का हो और वो आपने गलत क्लास के अंदर इनरोल कर दिया हो। सो इसलिए ये जो आइडेंटिफायर है रोल नंबर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इनरोल करते हुए। बहरहाल आप सिंपल रोल नंबर लिखिए, मैं भी इनरोल करूंगा नहीं, रोल नंबर लिखिए और यहाँ से स्टूडेंट का रोल डिफॉल्ट में मौजूद है, आपको सिंपल इनरोल सेलेक्टेड यूजर के ऊपर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। सो दिस इज हाउ VLS एडमिन वुड बी एबल टू एनरोल मिसिंग स्टूडेंट्स इन द सिस्टम। हर साल में जो नए सेशन में स्टूडेंट्स आने हैं उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से इनरोल करना है, जो बल्क के प्रोसेसेस हैं वो हम अभी इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं कर रहे होंगे राइट नाउ, ताकि अभी सिस्टम की जो स्टार्टिंग मौजूद है हम उसके ऊपर चलें, जो फैकल्टी मेंबर्स को आप लोगों ने ट्रेन करना है उसके लिए डिटेल सेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स के एक्शन हैं हम इसके बाद एक और सेशन रखेंगे और फिर उसमें हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी,
सो इस तरीके से आप लोग स्टूडेंट को मिसिंग इनरोल करेंगे एंड वन इफ यू वांट टू कम बैक ऑन द कोर्स होम पेज मैं सिंपल यहां के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूं और मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं लेफ्ट साइड के ऊपर से मेन्यू पे क्लिक करता और इस कोर्स के इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता तो अगेन मैं अपने कोर्स के होम पेज के ऊपर आ जाता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस कोर्स में देखिए सेशन जिस तरीके से एवरीबॉडी नोज के अप्रैल में स्टार्ट होता है तो वीक वाइज सेशन वो बने हुए हैं, एरियाज बने हुए हैं। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल, देन 13 से 19, 12, 20 से 26 एंड देन 27 अप्रैल से 3rd में, ये वीक्स बने हुए हैं। और आप ये देखिए ये थ्रू आउट ईयर के वीक्स बने होंगे आपके टिल 31st मार्च। इनफैक्ट क्योंकि अगला वीक जब 4 अप्रैल तक था तो ये वहां तक आपके कंप्लीट वीक्स बने हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अनदर गुड थिंग इज दिस कि आपको जो करंट वीक चल रहा होगा, ये देखिए ये ब्लू बार्स नजर आ रही हैं, जो करंट वीक चल रहा है वो आपको सिस्टम डिस्प्ले करता है कि जी इस टाइम के ऊपर टुडे इज द 26 सितंबर, तो ये आप यहाँ के ऊपर आ सकते हैं, डायरेक्टली उस वीक के ऊपर आ सकते हैं। मैं अभी इसी वीक को ही, इसी वीक के अंदर ही कॉन्टेंट ऐड करूंगा ताकि आप लोग उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम वो प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फैकल्टी मेंबर ने क्लास वर्क देना है स्टूडेंट को या होमवर्क देना है तो वो कैसे शेयर करेगा। सो यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस बटन, ड्रॉप डाउन बटन, एडिट सेटिंग्स, और उसके नीचे एक आ रहा है बटन टर्न एडिटिंग ऑन। नहीं तो अभी नहीं है ना उसमें, अब कीनी एक बार कर रहे हैं ना। नहीं अभी मैंने अंदर से ऑर्डर मिलेगा। सॉरी अच्छा जी। सो आप देखिए जब आपने ये टर्न एडिटिंग ऑन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास हर वीक के अंदर एक एडिट मोड की फैसिलिटी आना शुरू हो गई, जिसमें आप देखिए राइट साइड के ऊपर ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, और ये हर वीक के अंदर आपके पास लिंक आता जा रहा है। अब मैं टारगेट करूंगा इस 21 सितंबर को, चूंकि आज 26 है तो लेट्स ऐड समथिंग हियर ताकि स्टूडेंट्स भी जब अपने पास देख सकें तो उनको 26 सितंबर की डेट में ही नजर आ रहा होगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने फैकल्टी मेंबर से भी शेयर कीजिएगा कि जिस वीक या जिस डे को आप लोगों ने का काम देना है आप उस दिन के रिस्पेक्टिव वीक में जाके कंटेंट को अपलोड कीजिएगा। फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि जी बीच में किसी वजह से छुट्टियां आ गई और काम जो था या क्लास वर्क आपने पिछले वीक का देना था एंड यू वॉन्ट कि ये पिछले वीक के साथ ही एसोसिएटेड रहे, तो फिर आप यहाँ से लेट्स सपोज 31 अगस्त का आपने देना तो आप इस वीक के अंदर रिसोर्स या कंटेंट को ऐड कीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी 31 अगस्त से 6 सितंबर वाले वीक में हॉलीडेज हो गई थी और हमने इस वीक में नहीं देना, तो आप जो अभी करंट डेट है उस डेट के हिसाब से उस वीक के अंदर अपलोड कर दीजिए। क्यों, जो कुछ भी डिसीजन आप करेंगे उसका इम्पैक्ट इस सेन में रखिएगा कि जो स्टूडेंट है उसको उसी वीक के अंदर नजर आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने पिछले वीक्स में ही जाकर काम को ढूंढना होगा ताकि उनके पास सीक्वेंस के साथ कंटेंट मिलता जाए उनको, तो फिर आप उसको लास्ट वीक के अंदर ही इनरोल करें। और अगर अगर आप उसको गैप देना चाहते हैं, हॉलीडेज वीक को ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, तो जस्ट ब्लैंक छोड़ें और करंट वीक में ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। सो यहाँ के ऊपर आपके पास दिस 26 की डेट में मैं आज ऐड करूंगा ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, ये देखिए हमारे पास ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं यहाँ के ऊपर पहले एक डिफरेंस बताना चाहूँगा एक्टिविटीज़ में और रिसोर्सेज में। एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जिनके अंदर आपके स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर इनिशिएट करते हैं और स्टूडेंट्स उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज जो हैं जो कि आप एज अ मटीरियल अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने स्टूडेंट के लिए कोई रेफरेंस बुक अपलोड करनी है, आपने स्टूडेंट के लिए कोई रेफरेंस वीडियो अपलोड करनी है या कोई रेफरेंस इमेज अपलोड करना है, या आप एक हायरार्की बनाना चाहते हैं या कोई वेब पेज का लिंक उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो रिसोर्सेज के अंदर आ रहे होंगे। अगर मैं एक्टिविटीज़ को ब्रेकअप में एग्जांपल्स बताऊं, देखिए उसके अंदर असाइनमेंट मौजूद है कि अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं और कोई अटेंडेंस, अभी एक्टिविटी हम अटेंडेंस के ऊपर आएंगे, आपने उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है, या चैट की एक्टिविटी आप इनेबल करते हैं, या फीडबैक आपने लेना है, या कोई फोरम की डिस्कशन आपने स्टार्ट करनी है, या आपने ग्लॉसरी शेयर करनी है, या लेसन के प्लान आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने हैं, या कोई क्विक सर्वे परफॉर्म करना है, हर एक की जो इनिशियल और डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो भी राइट साइड के ऊपर आप ये देखिए सिस्टम आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। आप लोग अगर इससे भी गो थ्रू करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। बहरहाल हमारा भी जो पर्पज़ है कि हमने ये देखना है कि फैकल्टी मेंबर ने अगर कॉन्टेंट शेयर यानी क्लास वर्क शेयर करना है
तो वो कैसे करेगा। अब जब क्लास वर्क शेयर करने की हम बात करते हैं तो उसने जाहिर है कोई इमेज शेयर करना होगा या कुछ उसने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होगी कि घर से ये काम करके आए या ये पेज नंबर बुक का ये पेज नंबर है ये आपने कंप्लीट करके लेके आना है। सो लेट्स डू इन दिस वे। यहाँ के ऊपर फैकल्टी मेंबर ने एक डिसीजन ये भी करना है कि क्या फैकल्टी मेंबर ये चाहता है कि स्टूडेंट वापस कोई असाइनमेंट अपलोड भी करे या जो काम दे रहे हैं आप उसके अगेंस्ट कोई अपलोडिंग भी करें सिस्टम पे। अगर तो आपने उससे अपलोडिंग करवानी है, टू वे कम्युनिकेशन भी करवानी है क्लास वर्क के अगेंस्ट, तो फिर आप किसी एक्टिविटी को यूज करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं सिंपल आपने स्टूडेंट्स को इंटीमेट करना है और स्टूडेंट खुद घर बैठ के वो काम अपनी कॉपीज के ऊपर हार्ड कॉपीज के ऊपर करके नेक्स्ट डे आपके पास क्लास में ला के जमा कराएंगे, तो फिर आप उसको एज अ फाइल या एज अ लेबल अपलोड कर दीजिए। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी कि हम यहाँ से भी एज अ फाइल कर लेते हैं ताकि उसके अंदर कोई चीज अपलोड करनी तो वो भी हम देख लें। फाइल इज रिकमेंडेड, फाइल को सिलेक्ट किया मैंने, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। फाइल का नाम पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ जनाब क्लास वर्क और आज की डेट डाल देता हूँ कि जी 26 सितंबर 2020। डिस्क्रिप्शन इज द मस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी यही लिख देता हूँ। हाउ एवर आप लिख सकते हैं कि जी से अगर ये आर्ट्स का कोर्स था तो आर्ट में कोई चीज़ मुझे बता दीजिए, वैसे ही डमी क्वेश्चन ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फाइव वेजिटेबल्स। ठीक है जी,